गुड मॉर्निंग ऑल माई स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। उस वीडियो में मैंने आपको 5 रूल्स बताए थे कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड और 2 रूल्स बताए थे कॉनकेव लेंस से रिलेटेड कि कॉनकेव से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ 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 रखा हो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे, और कॉन्वेक्स से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर हमारा इमेज अलग अलग कंडीशंस में कहीं पर रखा हो। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में लिंक दे रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने वीडियो देखा है दैट्स विल बी वेरी हम्बल फॉर मी। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं लेंस के लिए कार्टेशियन साइन क्या है। मैंने मिरर के लिए आपको कार्टेशियन साइन समझाया था, उसका ठीक अपोजिट होता है लेंस के लिए। तो देखते हैं कि लेंस के लिए कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो कार्टेशियन साइन क्या कहता है, यानी यू वी एफ आई ओ इन सब की वैल्यू प्लस या माइनस कब लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन जो है लेंस के लिए, साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, अगर हम लेंस के लिए साइन कन्वेंशन की बात करें, हिंदी में बोलते हैं किसी भी लेंस के लिए यू वी एफ आई ओ इन सब की चिन्ह यानी पोजीशंस के अकॉर्डिंग इन पर कौन कौन सा प्लस और कौन कौन सा माइनस चार्ज होगा, कब होगा माइनस चार्ज और कब होगा प्लस चार्ज, यानी कि वैल्यू कब निकले। तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई लेंस हो गया, क्लियर, और ये क्या है इसका, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट को हम ओ से शो करते हैं। हमेशा ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और लाइट हमेशा किधर जाती है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को लाइट जाती है, ये लाइट के जाने का डायरेक्शन है, क्लियर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करती है, क्लियर। तो जो भी, ध्यान सुनिएगा, तो कोई भी जो लेंस होगा स्पेशली जैसे मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, पहले हम इमेज फॉर्मेशन को एक बार रिपीट करते हैं फट से। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये किसी भी ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट है, ये लाइट रिफ्रैक्ट होंगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से निकल जाएंगी, इमेज का फॉर्मेशन ये हो रहा है। तो ये क्या है इसका पोल है, डिस्टेंस हमेशा किधर से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, तो यानी कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है यानी हिंदी में उत्तल लेंस जो है, उसके लिए वस्तु की दूरी यू वो कैसी रहेगी, निगेटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वस्तु वो हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, क्लियर। और वी की जो वैल्यू होगी, तो ध्यान दीजिए लाइट कहाँ पर मिल रही, यहाँ पर मिल रही है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लेंस के पीछे हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और जहाँ पर लाइट मिल रही है उसी को हम फोकस बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फोकस भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए यू माइनस में होता है, वी प्लस में होता है, और एफ यानी फोकल लेंथ प्लस में होता है। अगर हम कॉनकेव लेंस के लिए बात करें, ये क्या है हमारा कॉनकेव लेंस है, ये क्या है, ये इसका पोल है जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ये आ रही है इस पर लाइट, ये आ रही है लाइट, लाइट लेंस के अंदर इंटर करेगी, लेंस से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज। तो इस लाइट को अगर हम जबरदस्ती पीछे मिलाएंगे तो हमें ये लाइट यहाँ कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस पर किधर, लेंस के सामने मिलते हुए एपियर होंगे यानी महसूस होंगे। ऐसी कंडीशन में अगर हम यू की बात करें, कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव है, हिंदी में अवतल, ये कौन सा था, उत्तल यानी कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव लेंस में इमेज कहाँ पे है, इमेज तो हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव। उसके बाद अगर ध्यान दीजिए तो फोकस कहाँ हो रहा है, फोकस रियल में नहीं हो रहा है बल्कि हमें लाइट मिलती हुई महसूस हो रही है, इसलिए जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इस लेंस के सामने हो रहा है, इसलिए वी यानी डिस्टेंस ऑफ
इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी, और फोकल लेंथ भी हमारा कैसे होगा, निगेटिव होगा। तो एक चीज़ हमें पता चल गई है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होता है वो अपने ऊपर आने वाली लाइट को वास्तव में किसी एक प्लेस पर मिलाता है, इसलिए इसके लिए वी यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज हिंदी में प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होगी, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ वो भी प्लस में होगी, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, इसलिए वस्तु की दूरी जो u होगी ये हमेशा माइनस होगी, चाहे मिरर हो और चाहे वो लेंस हो। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस अपने ऊपर इंटेंस रे यानी आने वाली लाइट्स को वास्तव में किसी पॉइंट पर नहीं मिलाता बल्कि फैला देता है, इसलिए क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। लाइट हमें जबरदस्ती आगे पीछे बढ़ाने पर एक प्लेस पर मिलती हुई महसूस होती है, यहीं पर इसका क्या बनेगा, फोकस बनेगा, यहीं पर इसका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसलिए जो कॉनकेव लेंस हमारा होता है उसके लिए यू की वैल्यू यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो निगेटिव होता है, लेकिन जो वी होगा वो भी निगेटिव हो जाएगा और एफ भी निगेटिव हो जाएगा। तो अब अगर हम इसी कार्टेशियन साइन के बिहाफ पे इन चीज़ों को देखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो कहाँ से मेजर किया जाएगा, पोल से। अभी इसको हम रूल के फॉर्म बता देंगे, अभी आप इसको ओरली यानी जुबानी समझ लीजिए कि डिस्टेंस हमेशा किधर नापा जाएगा, पोल से नापा जाएगा, यानी पोल से डिस्टेंस कवर करेंगे। किधर, अगर इधर जाएंगे सारी वैल्यू माइनस, इधर जाएंगे सारी वैल्यू प्लस, यानी कि पोल से लेफ्ट जाएंगे सारी वैल्यू माइनस, क्योंकि लाइट जा रही इधर, हम जा रहे हैं इधर, तो सारी वैल्यू माइनस, और जब हम पोल से राइट हैंड को जाएंगे सारी वैल्यू कैसी होगी, प्लस होगी। क्लियर? तो अगर हम इधर की बात करें तो इधर इस साइड में ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, लाइट के जाने के अपोजिट, तो यू की वैल्यू कैसी होगी, माइनस। ना हम आपको लेंस समझा रहे हैं, अब ना मिरर समझा रहे हैं, हम कार्टेशियन साइंस के बिहाफ पे आपको समझा रहे हैं। तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, पोल से लेफ्ट हैंड साइड सारी वैल्यू माइनस, यू माइनस, वी माइनस, और एफ कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर? और पोल से जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो वी की वैल्यू प्लस, एफ की वैल्यू प्लस, और यू की वैल्यू हमेशा माइनस होती थी, माइनस होती है। क्लियर? अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज की। तो अगर इमेज का फॉर्मेशन कहां पर है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज का फॉर्मेशन, आई मीन इमेज, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो इमेज होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, तो आई की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी हमारा जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई कैसी होगी, प्लस में होगी। और अगर वही हमारा इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बना हुआ है, क्लियर, तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए जो आई की वैल्यू होगी वो कैसे होगी, माइनस होगी। क्यों? क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है और रियल इमेज के लिए आई की वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर? तो इसी कार्टेशियन साइन को अब हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि कब क्या कैसे होगा। हमने आपको यहाँ पे कॉन्वेक्स समझा दिया, हमने आपको यहाँ पर कॉनकेव समझा दिया। क्लियर? तो अगर यहाँ पर हम कार्टेशियन साइन के बिहाफ पे मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक लेंस है, ठीक, और इस लेंस के बीचों बीच से जो लाइन जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? और जो जहां पर लेंस को ये प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है उसको क्या बोलते हैं हम, पोल। हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। क्लियर? और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। ऑब्जेक्ट को हम ओ से शो करते हैं, ये कहां रहेगा हमेशा, लेफ्ट हैंड साइड। लाइट कैसे जाएगी, लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगी। ये साइड कैसा है, ये साइड है हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर? तो जो भी डिस्टेंस हम कहां से, पोल से लेफ्ट हैंड साइड को मेजर करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट ये रखा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा यू, वो हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से, किधर, लेफ्ट को, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर हमारे इमेज का फॉर्मेशन भी इधर ही होता है तो जो हम डिस्टेंस ऑफ इमेज वी मेजर करेंगे वो भी पोल से मेजर करेंगे इधर लेफ्ट को, तो वो वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव। और जब इमेज इधर बनेगा तो फोकस भी इधर ही होगा, किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे, किसके, लेंस के, तो ये वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर? और ये सारी वैल्यूज आती हैं किसमें, कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस यानी हिंदी में अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि जो कॉनकेव लेंस है ये अपने ऊपर आने वाली लाइट्स को डाइवर्स कर देती है, तो रियल में किसी पॉइंट पर लाइट नहीं मिलती है बल्कि हमें पीछे मिलती हुई महसूस होती है। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा, अगर हम कहीं मिरर गलती से बोल भी दें तो आप लेंस ही समझिएगा, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो अपने ऊपर आने वाली सारी लाइट को, पीछे हमने समझाया था, वो हमेशा क्या करता है, किसी एक पॉइंट पर मिला देता है। तो अगर
ऑब्जेक्ट तो हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसके लिए यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। लेकिन अगर इमेज हमारा इधर बन रहा है पोल से राइट हैंड साइड पे, तो डिस्टेंस किधर मेजर करेंगे, पोल से राइट हैंड साइड पे, तो ऐसी कंडीशन में वी की वैल्यू प्लस हो जाएगी और एफ की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस में, जिसको हम हिंदी में उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस के लिए U छोड़कर, क्योंकि U की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, तो U छोड़ के बाकी सब प्लस कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और कॉन्केव लेंस के लिए बाकी सब माइनस। अब बात कर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट की और इमेज की। अगर हमारा इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, चाहे जिधर भी हो ऊपर है, तो I की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, और अगर इमेज हमारा नीचे है तो जो I की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। क्लियर। तो ये था आपका कार्टेशियन साइन, जो किसी भी लेंस को फॉलो करता है, चाहे वो आपका कॉनकेव लेंस हो और चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसके रूल्स को समझ लेते हैं कि किसी भी चीज़ को हम मेज़र कहाँ से किधर को करेंगे। तो इसके रूल को समझने के लिए हम रफली एक लेंस ले लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से क्या जा रही है, इंटेंस लाइट जा रही है, ये भी क्या है, इंटेंस लाइट है, कहाँ इंटर करेगी, इस लेंस के अंदर इंटर करेगी और एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएगी। यहाँ पर क्या हो गया, फोकस हो गया, और यहीं पर क्या बन गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम आई से शो कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर हम ध्यान दें तो पॉइंट नंबर वन ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंसेज विल बी मेजर फ्रॉम पोल। यानी हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो डिस्टेंस ऑफ इमेज हो, हमेशा हम इस लेंस के पोल से मेजर करेंगे, चाहे पोल से लेफ्ट और चाहे पोल से राइट, लेकिन मेजर कहां से करेंगे, पोल से ही मेजर करेंगे। पॉइंट नंबर टू ये कहता है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हिंदी में वस्तु की दूरी, विल बी ऑलवेज निगेटिव। यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस u होता है वो हमेशा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा जाएगा, ये आपको दिख रहा है। पॉइंट नंबर थ्री कहता है कि इफ द इमेज इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो हमारा इमेज बना है अगर वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है तो विल बी पॉजिटिव। कैसा होगा वो? पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा इमेज डाउनवर्ड बना है, कैसा बना है? डाउनवर्ड, तो आई कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। जब ऊपर रहेगा तो वो इरेक्ट कहलाएगा, इरेक्ट। और जब प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा हमारा इमेज तो वो कहलाएगा इनवर्टेड, इनवर्टेड। नंबर फोर पॉइंट, ऑल वैल्यू फॉर कॉनकेव लेंस विल बी निगेटिव। यानी कॉनकेव लेंस, हिंदी में अवतल लेंस के लिए U, V, F सारी वैल्यू कैसी होगी? माइनस में होगी। पॉइंट नंबर फाइव, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के लिए ऑल वैल्यू विल बी पॉजिटिव, प्लस में रहेगा, एक्सेप्ट U। हिंदी मतलब समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी भी लेंस के लिए जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो भी दूरियां नापेंगे, वो हमेशा पोल से नापेंगे, पोल से लेफ्ट, पोल से राइट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज निगेटिव।
क्यों? क्योंकि यानी कि दूसरा लाइन कहता है कि जो भी वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा माइनस में होगी। माइनस में क्यों होगी? क्योंकि वस्तु हमेशा हम लेंस से या मिरर से हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। तो जो डिस्टेंस नापेंगे वो पोल से किधर नापेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर। और लाइट किधर जा रही है? राइट हैंड साइड को। तो अपोजिट होने के कारण यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारी? हमेशा माइनस होगी। इफ़ द इमेज इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हमारा इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर है तो उसकी वैल्यू प्लस में होगी, अगर मुख्य अक्ष के नीचे है तो उसकी वैल्यू निगेटिव में होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड माइनस। ऑल द वैल्यू फॉर कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस के लिए सारी वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव होगी। और उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए सारी वैल्यू प्लस में होगी, सिर्फ किसको छोड़ करके? यू यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़ करके, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सभी मिरर सभी लेंस के लिए हमेशा निगेटिव होता है। क्लियर? अब इसी कार्टेशियन साइन को हम प्रैक्टिकली इंडिविजुअल कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस यानी अलग अलग उत्तल लेंस और अलग अलग उत्तल लेंस ले करके हम यू वी एफ और आई की वैल्यू को समझते हैं। तो कार्टेशियन साइन को समझने का ये आपके पास आखिरी मौका है, हम फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस। तो अगर हमने उत्तल लेंस लिया है, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस यानी कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्लियर? जहां से इसने इसको कट किया है इसको बोलते हैं इसका पोल। हमेशा वस्तु कहाँ रखी जाएगी यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। क्लियर? लाइट कहाँ से चलेगी? इस ऑब्जेक्ट से चलेगी। कहाँ जाएगी? इस लेंस के अंदर जाएगी। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। क्या करेगा? लाइट को फोकस से निकाल देगा। क्लियर? जो लाइट नीचे से आएगी पैरेलल वो भी लाइट कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। जहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में कट करेंगी यहीं पर हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारा आई हो गया और यहीं पर लाइट फोकस कर रही, इसलिए यही हमारा क्या हो गया? एफ हो गया। तो अगर हम समझे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पोल से मेज़र करेंगे, रूल नंबर एक कहता है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? यू है। और कैसा होगा ये? निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि हमने पोल से लेफ्ट हैंड साइड मेजर किया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को। अब अगर बात करें हम इस इमेज की, तो पोल से, इस पोल से ये यहाँ तक का जो लाइट है यहीं पे तो फोकस हुई है, तो जो फोकल लेंथ होगा वो ध्यान दो पोल से राइट हैंड साइड जा रहा है, कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जो हमारा जहाँ पर फोकस हुआ है यहीं पर क्या फॉर्मेशन हो रही है? हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में इमेज भी पोल से किधर है? राइट हैंड साइड पे है, तो इसकी भी वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए यू की वैल्यू माइनस होगी, वी की वैल्यू प्लस होगी और एफ की वैल्यू प्लस होगी। ये आपको लर्न कर लेना है। क्लियर? इमेज कैसा बनेगा? इमेज बनेगा रियल, क्योंकि लाइट वास्तव में आपस में कट कर रही हैं। और कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड माने उल्टा बनेगा, क्योंकि इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगा। याद भी रखिए, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। क्लियर? और कैसा बनेगा? स्मॉल बनेगा, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे हमारा इमेज कैसा बनेगा? स्मॉल बनेगा। तो ये कंडीशंस थी कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के लिए। अब इन्हीं चीज़ों को हम समझ लेते हैं कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस के लिए। तो अगर कॉन्केव लेंस की बात करें, कॉन्केव लेंस हिंदी में बोलते हैं हम अवतल लेंस। तो कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? ये आपका कॉन्केव लेंस हो गया यानी अवतल लेंस हो गया। ये इसके दोनों सरफेस को हमने मिला दिया, ये इसकी सेपरेटिंग पॉइंट है यानी इसको अलग करने वाली लाइन। ये बीचों बीच से क्या गई है? प्रिंसिपल एक्सिस गई, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। जहां पर इसने लेंस को कट किया वो क्या है? इसका पोल है। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहाँ रखी जाएगी? हमेशा रखी जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ से लाइट जाएगी किस में? इस लेंस के अंदर इंटर करेगी। ये कैसा लेंस है? ये कॉन्केव लेंस है यानी अवतल लेंस है। क्या करता है? लाइट को फैला देता है यानी डाइवर्ज कर देता है। तो ये देखो लाइट डाइवर्ज होकर निकल गई। फिर जो है इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाएंगी, जैसे मान लीजिए ये लाइट गई पैरेलल और ये भी क्या होगी? ये
रिफ्लेक्ट हो गई, यानी आगे निकल के रिफ्रैक्ट हो गए। अब क्या होगा, ये कहीं पे वास्तव मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इसने लाइट को क्या किया, फैला दिया। तो अब इसको हम अगर पीछे मिलाएं तो हमें ये लाइट यहाँ पर आपस में मिलती हुई महसूस होंगी, यहीं पर हमारा फोकस बनेगा और यहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन भी होगा। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से नापेंगे, पोल से, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे दिखाते हैं, यू से, और हम जा कहाँ रहे हैं, पोल से लेफ्ट जा रहे हैं, तो यू की वैल्यू कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। क्लियर, हमारा जो इमेज बना है वो किधर बना है, इसी लेंस के सामने बना हुआ है। तो मान लो ये है इमेज हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज। किससे शो करते हैं, वी से, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। क्लियर, जहां पर इमेज बना यहीं पर फोकस हुआ है, तो फोकस भी यहां से यहां तक एफ की वैल्यू भी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। इतनी बात समझ पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के लिए u यानी वस्तु की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये कैसा होगा, माइनस होगा। v यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज हिंदी में प्रतिबिंब की दूरी वो कैसा होगा, माइनस होगा। और f यानी फोकस दूरी वो क्या होगा, वो भी माइनस में होगा। तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। इमेज कैसा बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा। क्यों, क्योंकि लाइट आपस में सच में मिल नहीं रही बल्कि मिलती हुई महसूस हो रही हैं। और कैसा बनेगा इमेज हमारा, ये इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। क्लियर, और कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा यानी छोटा बनेगा। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस से इमेज के फॉर्मेशंस के लिए कार्टेशियन रूल। अगर ये रूल्स आपको लर्न रहेंगे तो आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, न्यूमेरिकल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस रूल्स को आप तैयार नहीं कर पाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर मोटा मोटा याद रखने की बात हो तो याद रखिएगा, कभी भी यू की बात नहीं की जाती। क्यों, क्योंकि यू यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हिंदी में वस्तु की दूरी, यह हमेशा निगेटिव ही होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। तो जब भी बात कीजिए वी और एफ की बात कीजिए। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कहां बन रहा है, लेंस के उस तरफ, इसलिए वी और एफ की वैल्यू प्लस में। और कॉनकेव लेंस में इमेज किधर बन रहा है, इधर, इसलिए वी यू एफ सब वैल्यू किस में, माइनस में। क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज है तो आई की वैल्यू प्लस में, नीचे है तो आई की वैल्यू माइनस में। और याद रखिए रियल इमेज के लिए हमेशा आई की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए कंटेंट लेकर आता रहूं, मेरे अंदर भी एनर्जी बनी रहे कि हाँ आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है। तब तक देखते रहिए ब्रिलियंट विजन को, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ कल ठीक इसी समय।